hello friends we were studying chapter 6 that is tissues of class 9th science and ncert book in the previous lecture we studied about simple permanent tissues types of simple permanent tissue parenchyma colonchyma sclerenchyma we studied about the outermost surface that is the epidermis and we merely studied definition of what is definition of stomata in this in this lecture

गैसेस एक्सचेंज मतलब मेनली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है एक फूड सिंथेसिस का लाइट के प्रेजेंस में फोटो मीन्स लाइट इंसिथेसिस मीन्स फॉर्मेशन तो लाइट के प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन बट उसके लिए गैसेस एक्सचेंज जरूरी है फोटो का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है सीओ टू और ओ टू का गैसेस एक्सचेंज ठीक है तो उसमें काम आता है और प्लांट को अगर वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए तो उसके लिए एक प्रोसेस है ट्रांसपीरेशन तो वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है तो स्टोमेटा बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में पाया जाता है लेकिन स्टेम में भी हो सकता है स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे स्टोमेटा का तो स्टोमेटा में जो पोर होता है सेंट्रल पोर उसको कहते हैं स्टोमा जो एक सेंट्रल पोर होता है ठीक है इस सेंट्रल पोर के अराउंड गार्ड सेल्स होते हैं इन सेल्स को क्या बोलते हैं इनको गार्ड करते हैं इसके अराउंड रहते हैं तो क्या बोलते हैं इनको गार्ड सेल्स बोलते हैं गार्ड सेल्स के अराउंड जो आपको ये ब्लू दिख रहा है वो होता है सब्सिडियरी सेल्स ठीक है और ये तो एपिडर्मल सेल्स हैं ही क्योंकि वो कहाँ पोर किस में प्रेजेंट होता है एपिडर्मल सेल्स के लीव्स के एपिडर्मल सेल्स में ही होता है तो जो रेड वाले आउटर हैं वो एपिडर्मल सेल्स हैं ब्लू वाले जो दिख रहे हैं वो सब्सिडियरी सेल्स हैं और ये गार्ड सेल्स हैं और ये स्टोमा है तो गार्ड सेल्स का सेल वॉल जो स्टोमा की तरफ है इनर सेल वॉल वो थिक होते हैं और आउटर सेल वॉल थिन होता है ठीक है और गार्ड सेल्स आप देख सकते हैं बीन या राजमा बीन शेप्ड के होते हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है बट जो ग्रासेस होते हैं या मोनोकॉट्स आप कह सकते हैं मोनोकॉट्स जिसमें एक कॉटिलिडन हो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा है मोनोकॉट कर्ट एक कॉटिलेडन हो एम्ब्रियोनिक लीव्स वो भी बोलते हैं कॉटिलिडोन को एम्ब्रियोनिक लीव्स भी बोलते हैं अगर एक कॉटिलिडन है किसी प्लांट में तो वो मोनोकॉट होता है और दो कॉटिलिडन है तो हम क्या बोलेंगे डाइकॉट तो मोनोकॉट में गार्ड सेल्स क्या होते हैं डम्बेल से जो हम जिम करते हैं उसमें डम्बेल आपने देखे होंगे उस शेप के गार्ड सेल्स होते हैं ग्रासेस में या मोनोकोड्स में ठीक है तो जो हमने अभी पढ़ा वही यहां लिखा है एक बार हम पढ़ लेते हैं स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट पोर्स स्टोमा सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल पेयर्स मीन टू गार्ड सेल्स स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज अकॉर्डिंग टू टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स मैंने टर्जीडी पढ़ाया सेल के अंदर वाटर कंटेंट होता है तो सेल को क्या बोलते हैं टर्जिड सेल मतलब वाटर के कारण ही टर्जिडी टर्जिडिटी आता है और स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं अकॉर्डिंग टू द टर्जिडिटी इन द गार्ड सेल्स और जो सेल वॉल अराउंड सराउंडिंग स्टोमा मीन्स द पोर वो ठीक होते हैं और बाकी बचा हुआ सेल वॉल जो आउटर सेल वॉल वो थिन होता है गार्ड सेल बीन शेप्ड होते हैं कंटेनिंग क्लोरोप्लास्टिक इसका बात है डाइकॉट्स का बात है लेकिन मोनोकॉट्स या ग्रासेज में गार्ड सेल्स डम्बल शेप के होते हैं ओके नाउ वी विल स्टडी अबाउट अ प्रोसेस नोन एज ट्रांसपीरेशन सो वॉट इज ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन इज लॉस ऑफ वॉटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल प्लांट पार्ट्स ओके ट्रांसपीरेशन क्या होता है पानी का लॉस हो वॉटर वेपर के फॉर्म में कहां से एरियल प्लांट पार्ट जो जमीन से ऊपर है अर्थ सर्फेस पे ऊपर है मतलब एरियल है और लॉस लो, वॉटर का होता कहां से है स्टोमेटा के थ्रू होता है तो जो प्लांट ऑब्जॉर्ब वॉटर फ्रॉम रूट ठीक है थ्रू रूट फ्रॉम सॉइल ओके थ्रू रूट फ्रॉम सॉइल तो जितना भी वॉटर प्लांट ऑब्सॉर्ब करता है उसका नाइंटी नाइन परसेंट वाटर वेस्ट चला जाता है कुछ अजीब बात है यह कि नाइन्टी नाइन परसेंट वाटर दैट जो प्लांट ऑब्जॉर्ब करता है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू वो फिर बाहर एटमोस्फियर में दे देता है सिर्फ जित जो जितना भी वॉटर वो ऑब्जॉर्ब करता है उसका ओनली वन अमीयर वन परसेंट इज यूज बाय प्लांट है ना और उसी से हम इतना मतलब प्लांट्स फिर भी इतने इंपॉर्टेंट हैं नाइनटी नाइन परसेंट वाटर वो छोड़ दे रहे हैं ठीक है तो एक नेसेसरी है इविल तो है गलत काम कर रहा है कि नाइनटी नाइन परसेंट वाटर को वो प्लांट से बाहर निकाल दे रहा है लेकिन जरूरी भी है जैसे कि इसको इससे समझते हैं कि क्यों जरूरी है क्योंकि ये प्लांट को वाटर प्रोवाइड कराता है रूट रूट वाटर ऑब्जॉर्ब करते हैं पर वो पूरे प्लांट में वाटर भेज नहीं सकते कुछ दूर तक जा सकता है वाटर उनके हेल्प से रूट प्रेशर के हेल्प से एक और टर्म आया रूट प्रेशर जो रूट क्रिएट करते हैं लेकिन वो ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं भेज सकता मेन काम ट्रांसपीरेशन को ही करना है तो ये होता कैसे है जैसे कि आप समझिए कि आप गिलास में पानी आपने रखा और स्ट्रॉ से आप उसको सक कर रहे हैं सक कर रहे हैं मतलब पानी को अपनी तरफ खींच रहे हैं ठीक है सक कर रहे हैं पानी प्लांट में भी ऐसा ही होता है जब ट्रांसपीरेशन से वॉटर लॉस होता है और नीचे से रूट वॉटर दे रहा है और ऊपर से वॉटर लॉस हो रहा है में सक हो रहा है ठीक है तो एक पुल बन जाता है जिससे वॉटर को ट्रांसपीरेशन पुल बोलते हैं जिसको जिससे वॉटर खींचता है ऊपर ऊपर वाटर को खींचा जाता है ठीक है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ट्रांसपीरेशनल पुल जिससे वाटर ऊपर तक आता है हर प्लांट पार्ट को मिलता है और 99% परसेंट वाटर फिर एटमॉस्फेयर में ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर निकल जाता है तो गलत तो है कि वो 99% परसेंट वाटर प्लांट से निकाल दे रहा है पर जरूरी भी है जिस क्यों जरूरत है किससे क्योंकि इसी से प्लांट को वाटर रिक्वायरमेंट प्लांट का फुलफिल होता है ठीक है तो तो ट्रांसपीरेशन इज अनेसरीबल बिकॉज थ्रू दिस प्रोसेस प्लांट गेट वाटर टू कैरी इंपॉर्टेंट लाइफ सपोर्टिंग फंक्शन या एक्टिविटी नेसेसरी क्यों बोला क्योंकि वाटर प्लांट को मिलता है इसी प्रोसेस से ईविल क्यों बोला क्योंकि नाइन्टी नाइन परसेंट वाटर जो ऑब्जॉर्व करता है प्लांट वो उससे ट्रांसपिरेशन के थ्रू खो देता है ठीक है अब हमने यहां तक पढ़ लिया सिंपल परमानेंट के बारे में ट्रांसपरेशन प्रोसेस के बारे में स्टोमेटा एपिडर्मिस के बारे में नाउ वी विल स्टडी अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हम किसके बारे में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमने पढ़ा सिंपल परमानेंट टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू में सेल का टाइप एक ही होता है एक ही सेल टाइप से पूरा टिश्यू बनता है लेकिन कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स का मतलब कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेल टाइप्स अलग अलग सेल टाइप्स मिलकर क्या बनाते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और वो भी एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं टिश्यू है तो मतलब एक कॉमन फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे अब जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उनको हम बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू या वेस्कुलर टिश्यू वाई वी आर कॉलिंग दम एज कंडक्टिंग टिश्यूज बिकॉज दे कंडक्ट वाटर एंड मिनरल एंड फूड टू द होल प्लांट पार्ट्स और वेस्कुलर क्यों बोला वैस्क्यूलर हमारे बॉडी में भी बोलते हैं हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम मीन्स वेस्कुलर मतलब वेसल्स वेसल्स के थ्रू चैनल के थ्रू ठीक है फ्लूइड हमारा ब्लड जाता है तो यहाँ पे ब्लड होता नहीं है पर फंक्शन वही है कि वो प्लांट में वाटर न्यूट्रिएंट्स भेजता है तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यूज या कंडक्टिंग टिश्यू दो तरह के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू या कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जाइलम और फ्लोएम अब ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे तो जाइलम तो आप याद कर लीजिए कि ये वाटर और मिनरल सॉल्ट को प्लांट को देता है और फ्लोएम किसका कंडक्शन कराता है फूड का कंडक्शन कराता है ठीक है या नाइट्रोजन का कंडक्शन प्रोटीन का कंडक्शन फ्लोएम कराता है तो हम पहले पढ़ते हैं जाइलम के बारे में तो जाइलम में मैंने जैसे बताया क्या कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल सॉल्ट को कहाँ रूट से लेता है वाटर कहाँ से प्लांट लेता है रूट से और मिनरल्स कहाँ से लेता है सॉइल से तो सॉइल से लेता है मतलब रूट से लेता है वाटर भी सॉइल से लेता है तो रूट से हो गया तो अपवर्ड की तरफ लेता है रूट से प्लांट के स्टेम तक तो अपवर्ड मूवमेंट हो गया और लीव्स तक तो भी अपवर्ड मूवमेंट ही होगा क्योंकि लीव्स और स्टेम तो एरियल प्लांट प्लांट है एरियल प्लांट पार्ट्स है और रूट जो है वो अंडरग्राउंड पार्ट है ठीक है और स्टेम और लीफ एरियल है तो अपवर्ड मूवमेंट होता है वो जाइलम से और जाइलम क्या होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट के अदर बॉडी पार्ट्स को जाइलम होता है पुअरली डेवलप्ड हाइड्रोफाइट्स में समझिए हाइड्रोफाइट्स मीन्स मैंने पहले भी बताया हाइड्रो हाइड्रोमी वाटर फाइट्स मीन प्लांट तो ऐसे प्लांट जो वाटर में रहे वाटर तो आसपास वाटर की कमी नहीं है ठीक है तो उनको जाइलम की क्या जरूरत क्योंकि जाइलम क्या करता है वाटर का कंडक्शन करवाता है जब वाटर की जरूरत ही नहीं है पूरा प्लांट ही वाटर में है तो उसे जाइलम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जाइलम हो भी तो पुअरली डेवलप्ड होता है लेकिन ज़ीरो फाइट्स जहाँ वाटर की एकदम एक्यूट कमी है एक्यूट शॉर्टेज है जैसे डेजर्ट्स में तो वहाँ वेल डेवलप्ड जाइलम होना चाहिए कि छोटे से छोटे पानी की एक बूंद भी वेस्ट ना जाए और ज़ीरो फाइट्स प्लांट में आप देखेंगे ट्रांसपीरेशन भी बहुत कम होता है ऐसे अडेप्टन होते हैं कि ट्रांसपीरेशन कम हो जाता है जैसे जीरो फाइट में लीव्स नहीं होते हैं कैक्टस में आपने देखा होगा लीव्स नहीं होते हैं लीव्स में ही स्टोमेटा अधिकतर होते हैं उसी से ट्रांसपिरेशन होता है तो लीव्स ही नहीं होंगे तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो वाटर लॉस नहीं होगा ठीक है अब जाइलम में दोबारा आते हैं जाइलम में एफिशियंट कंडक्शन के लिए क्या जरूरी है कि प्रोटोप्लाज्म डेड हो क्यों अगर लीविंग होगा तो कुछ वाटर रिक्वायरमेंट उसकी भी होगी तो वाटर को जितना वो कर सकता था डेड होकर वो लिविंग में उतना नहीं कर पाएगा वाटर वो खुद भी ले, ले लेगा तो कुछ वाटर का डिफिशियट हो जाएगा या डिफरेंस आ जाएगा जिसके कारण पूरा प्रोसेस एज सच इफिशियंट नहीं होगा इसलिए डेथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज मस्ट जिस कारण से मेजर जाइलम जो है पार्ट जाइलम का वो डेड होता है अब जाइलम चार काइंड ऑफ एलिमेंट से बना है हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मतलब चार डिफरेंट टाइप के से चार या उससे भी ज्यादा डिफरेंट सेल टाइप्स होने चाहिए तो जाइलम में चार डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ट्रैकिड वेसल्स जाइलम फाइबर्स और जाइलम जयलम पेरनकाइमा ट्रैकिड्स या वेसल्स जो होते हैं जो ट्रैकिड्स वेसल्स जाइलम फाइबर्स जाइलम जयलम पेरनकाइमा ट्रैकिड्स वेसल्स और जाइलम फाइबर्स ये डेड होते हैं ठीक है ये तीनों डेड होते हैं चार में से तीन एलिमेंट जाइलम में डेड है और जो जयलम पेरनकाये सिर्फ एक अकेला लिविंग एलिमेंट है ठीक है अब हम पढ़ते हैं ट्रैकिड्स और वेसल्स के बारे में वन मिनट वेट फॉर वन मिनट नाउ जो ट्रैकिड्स और वेसल्स हैं वो हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जिसके थिक वॉल्स होते हैं और वो क्या कंडक्ट कराते हैं हमने पढ़ा है वाटर मिनरल को वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं स्टेम लिव से रूट की तरफ नहीं रूट से स्टेम और लीव्स की तरफ तो जैसे आप देख सकते हैं ट्रैकिड्स वेसल्स

हाँ, पैरन कायमा थोड़ा सेल लिविंग होता है तो उसमें साइटोप्लाज्म भी अच्छा खासा होगा न्यूक्लियस भी होगा ठीक है जायलम पैरनकाइमा यह सिंपल स्ट्रक्चर है ट्रैकिड का वेसल का जाइलम फाइबर्स का और यह जायलम पैरनकाइमा का ये न्यूक्लियस नहीं है ये क्या है ये पिट्स हैं पिट्स मीन्स परफोरेटेड वॉल वॉल में छेद है पर वो छेद कवर्ड है किससे लिग्निन या सुबेरिन से कवर्ड होता है हल्का सा तो जिसके कारण इफिशियंट ट्रांसपोर्ट हो सके वाटर मिनरल और वॉटर और मिनरल का क्योंकि ये जाइलम है ठीक है तो आगे पढ़ा जाए जाइलम फाइबर्स हमने पढ़ा ट्रैकिड वेसल क्या करते हैं वाटर और मिनरल का वर्टिकली अपवर्ड मूवमेंट कराते हैं अब अगला इसका एलिमेंट है जाइलम फाइबर जाइलम फाइबर क्या करता है सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको को ट्रैकिड और वेसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है जाइलम फाइबर डेड होता है इसका यही बस फंक्शन होता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करे जाइलम पैरेंट कैम इज द ओनली लिविंग एलिमेंट और वो क्या करता उसका है उसका फंक्शन है फूड स्टोरेज का तो हमने यहां तक जायरम के बारे में पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे फूड कंडक्टिंग पार्ट दैट इज फ्लोएम तो फ्लोएम क्या कंडक्ट कराता करा है फूड कंडक्ट कराता है आप कह सकते हैं प्रोटीन भी कंडक्ट कराता है क्योंकि प्रोटीन फूड से ही मिलता है नाइट्रोजन जो प्लांट को जरूरत है वो भी ये कंडक्ट करवाता है कहां से कहां तक लीव्स से अदर प्लांट पार्ट्स तक क्योंकि फूड बनता है लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है लीव्स में तो वहां से अदर प्लांट पार्ट तक क्यों क्योंकि फूड जो है हर पार्ट को चाहिए रूट की एंड टिप तक जो रूट हेयर होता है वहाँ तक भी चाहिए और टॉप मोस्ट आखिरी पत्ती तक जो सबसे ऊपर लास्ट लीफ है प्लांट की उसको भी चाहिए ठीक है तो फ्लोएम की ये फंक्शन हो गया फूड कंडक्शन का चार टाइप के सेल्स होते हैं एनसीआर में फ्लोएम को लिखा है पांच टाइप्स के सेल्स उसने सीव सेल को भी काउंट किया है सीव ट्यूब को भी काउंट किया है इसीलिए पांच हो गए एज यू कैन सी वन सी यू सेल सी ट्यूवेलमेंट टू कंपेनियन सेल थ्री फ्लोएम फाइबर फोर फ्लोएम पैनकाइमा फाइव बट उसने गलती ये कर दी उसने फाइव एक्चुअली होते हैं फोर क्योंकि सी यू सेल सी ट्यूब दोनों एक ही प्लांट में नहीं हो सकते जैसे हम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मैं आपको बताऊंगा कि प्लांट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट थैलोफाइट ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट और जिम्नोसपम एनजीओस्पम्प जो जिम्नोसपम एनजियपम्प ये दोनों एडवांस प्लांट्स हैं जिनमें सबसे और ज़्यादा सबसे एडवांस है एनजीओ तो जिम्नोसपम्प जो कम एडवांस है एनजीओसपम्प से पीछे हैं जिम्नोस्पन्स में होता है सिव सेल और एनजीओस्पम्स में होता है सिव ट्यूब एलिमेंट तो एक ही प्लांट में दोनों नहीं हो सकते इसलिए किसी एक प्लांट के लिए चार ही टाइप्स के फ्लोएम सेल्स होते हैं सीव सेल जिम्नोस्पन्स में होता है ज़्यादा डेवलप्ड एनजीओ स्प में क्या होता है सीव ट्यूब एलिमेंट कंपेनियन सेल फ्लोएम फाइबर फ्लोएम पैर ये सब में होता है ठीक है और फ्लोएम फाइबर्स आर आर डेड रेस्ट ऑल लिविंग में हमने क्या पढ़ा था इज लिविंग रेस्ट ऑल आर डेड इसमें सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स आर आर डेड रेस्ट ऑल लिविंग तो सीव ट्यूब क्या होते हैं सीव ट्यूब की बात करते हैं सीव सेल सिंपल सेल होते हैं सीव ट्यूब हम एनजीओ स्पम्प के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट सीव ट्यूब एलिमेंट में जो सीव ट्यूब एलिमेंट होते हैं वो लिविंग सीनसाइट एक सीव ट्यूब एलिमेंट दूसरा सीव ट्यूब एलिमेंट ये सब मिलते मिल, जा, मिल जाते हैं मिल के फ्यूज हो जाते हैं इसलिए इनको क्या बोलते हैं लिविंग सिंसाइट सिंसाइट मतलब फ्यूजन फ्यूजन मतलब करके जो स्ट्रक्चर बना है वो ये लिविंग होते हैं बस इनकी एक स्पेशलिटी होती है कि ये लिविंग तो होते हैं पर न्यूक्लियस नहीं होता जैसे हम दो ही चीज पढ़ेंगे आर बी सी और सीव ट्यूब सीव ट्यूब एलिमेंट आरबीसी ये दोनों में लिविंग तो हैं लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है तो सीव ट्यूब एलिमेंट लिविंग है न्यूक्लियस नहीं होता है और हम पढ़े हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है सेल का कंट्रोलर तो न्यूक्लियस होगा नहीं तो इनको कंट्रोल कौन करेगा इनका एक्टिविटी कंट्रोल करता है बगल का कंपेनियन सेल क्योंकि ये दोनों सिस्टर सेल होती हैं इन ये सिस्टर सेल क्यों बोलते हैं क्योंकि ये एक ही मदर सेल से एक ही पेरेंट सेल से डिराइव हुई या डिवाइड होकर बनी हुई दो सिस्टर सेल्स होती हैं तो एक में न्यूक्लियस नहीं होता एक में न्यूक्लियस होता है तो इसका एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल तो कंपेनियन सेल का भी फंक्शन यहाँ समझ में आ गया सीओ सेल सी ट्यूब भी हमने समझ लिया फ्लोएम फाइबर फिर वही बात है फ्लोएम फाइबर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं लेकिन फ्लोएम फाइबर यहाँ कमर्शियल फाइबर्स भी होते हैं कमर्शियल मतलब जो इकोनॉमी बूस्ट करें या कुछ काम आए जैसे जूट हमने पढ़ा है जूट आपने कैरी बैग्स जूट की बहुत जगह देखी होंगी कपड़े भी बनते हैं और कुछ होम डेकोर के डेकोर के भी चीज बनते हैं तो फ्लोएम फाइबर्स क्या होते हैं कमर्शियल फाइबर्स होते हैं और भी प्लांट होता होते हैं सन सनहैम्प लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जूट टेक इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको बता दिया तो हमने यहाँ फ्लोएम भी पढ़ लिया एक इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है कि ट्रांसपोर्ट जाइलम में ट्रांसपोर्ट यूनी डायरेक्शनल होता है यूनी डायरेक्शनल मीन्स रूट से ऊपर अपवर्ड की तरफ ठीक है क्योंकि वाटर रूट्स ही सिर्फ ले सकते हैं रूट्स लेते हैं और स्टेम और लीव तक जाता है लेकिन फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है या बाई डायरेक्शनल आप कह सकते हैं क्योंकि लीव से उसको रूट को भी देना है नीचे और ऊपर फूड हर प्लांट को जरूरत है रूट को भी जरूरत है और अपर टिप में जो लीफ है अपर में तो और ज्यादा जरूरत है क्योंकि वहाँ मेरी स्टेम है मेरी स्टेम को ज्यादा फूड की जरूरत होती है क्योंकि उसको डिवीज़न करना है तो वो ऊपर वहां भी जरूरत है और नीचे भी ज़रूरत है तो वो दोनों डायरेक्शन में हो गया हर डायरेक्शन में भी है तो बाय डायरेक्शनल भी या मल्टी डायरेक्शनल भी दोनों हर डायरेक्शन में होता है इसलिए फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट है मल्टी डायरेक्शनल लेकिन जाइलम में ट्रांसपोर्ट सिर्फ रूट के थ्रू ऊपर होता है तो ये यूनी डायरेक्शनल हो गया ठीक है अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझाता हूँ सिंपल स्ट्रक्चर जिससे आपको समझ में आए कि हमने जो पढ़ा वो अब तक कहाँ क्या है और कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं जैसे ये एक सनफ्लावर स्टेम सूरजमुखी आपने सुना है सनफ्लावर स्टेम का सेक्शन है मैं आपको इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू बता रहा हूं जैसे कि ये देख लीजिए ये एपिडर्मिस है क्या है जैसे आपने देखा एपिडर्मिस ये सेल्स एपिडर्मिस के हैं इसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर है क्यूटिन से बनी हुई क्यूटिकल की लेयर और इसके सेल्स इलांगेट होकर क्या बनाते हैं ट्राइकोम ट्राइकोम मल्टी होता है आप देख सकते हैं कि मल्टी है हमने पढ़ा था रूट में रूट हेयर होता है वो यूनिसेलर होता है ट्राइकोम क्या होता है मल्टी सेलर देख सकते हैं बहुत सारे सेल्स हैं अब एपिडर्मिस के नीचे एक सेल की लेयर है ये राइट रंग की आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस और हमने पढ़ा था कि हाइपोडर्मिस स्टेम की किससे बनती है कोलेन कायमा से इसके नीचे का लेयर है कॉटेक्स जो कि पैरन कायमा सेल से बनी होती है उसके बाद की एक लेयर है एंडोडर्मिस ये सिर्फ मैं आपके नॉलेज लिए बता रहा हूं क्योंकि आपके एनसीआर में एक स्ट्रक्चर दिया है तो उसे थोड़ा एक्सप्लेन करना जरूरी है एंडोडर्मिस हो गया एंडोडर्मिस के नीचे एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं रेड कलर से है पेरीसाइकल ये पेरीसाइकल क्लेरन होती है ये हम बात कर रहे हैं सनफ्लावर स्टेम की अब ये जो ब्लैक रंग से है ये है फ्लोएम फ्लोएम के बीच में है फ्लोएम के बाद में है कैम्बियम कैम्बियम आगे जाकर सेकेंडरी ग्रोथ में काम करती है ठीक है जाइलम ये जाइलम हो गया वाटर कंडक्शन के लिए फ्लोएम हो गया फूड कंडक्शन के लिए और दोनों के बीच में कैम्बियम और ये जो बचा ये, ये एक पिथ होता है पिथ मीन सेंट्रल पार्ट और ये ऐसा ही जाइलम जाएल, फ्लोएम का अरेंजमेंट यहां भी है यहां भी है और यहां भी है तो दो जाइलम फ्लोएम के बीच के अरेंजमेंट में जो पेरेंक्रामेटा सेल्स हैं उनको क्या बोलते हैं पिथरेस क्योंकि अगर ये मैं पूरा एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊंगा तो बीच में जो जगह बैठेगी वो रे एक लाइन की तरह दिखेगी तो उसको बोलते हैं पिथ रे और जो बीच का रीजन है उसको बोलते हैं पिथ आपको ये समझ में आ गया अब एक चीज होता है कॉर्क कॉर्क कैसे बनता है कॉर्टेक्स में एक सेकेंडरी मेरिस्टेम की लेयर होती है ठीक है वही डिवाइड करती है सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम तो उससे क्या बनता है कॉर्क कॉर्क जब बन जाता है तो जो उसकी एक लेयर होती है वो इंटरसेलोर स्पेस नहीं होता है और वो डेड हो जाती है इंटरसेलोर स्पेस नहीं होता है और सुबेरिन इनके वॉल में जमा हो जाता है तो क्या हो जाता है ये पैक हो जाती हैं और इनके बाहर जितनी भी लेयर है जैसे यहां पर एक बनी लेयर मान लीजिए ठीक है यहां पर एक लेयर बनी और ये पैक हो गई पूरी सुबेरिन से और इंटरसेलोर स्पेस है भी नहीं तो इसके बाहर इसके बाहर जितनी भी लेयर होगी उसको यहां से फूड न्यूट्रिशन कंडक्शन वाटर वोटर का नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा ये इसके बाहर के लिए डेड हो जाएंगी और फिर वो वही आगे जाके क्या बनाती है बार्क ऑफ ट्री तो उतना आपको नहीं समझना है आपको बस ये समझना है कि कॉर्क जो है वो सेकेंडरी मैरिस्टेम से बनता है कहां पर लोकेट होता है कॉर्टेक्स में सेल्स जो है कॉर्क के वो डेड होते हैं और अरेंज होते हैं विदाउट इंटरसेलोर स्पेसिस और इनके वॉल्स में क्या प्रेजेंट होता है सुबेरिन ठीक है दिस इज इनफ फॉर नाउ in next lecture we will start animal tissue we have completed our study about the plant tissue in next lecture we will start with the animal tissue okay thank you